नमस्कार, मैं हूं धनश्री, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खाद्य विभाग के जिला आपूर्ति नियंत्रक नुजहत बानो को सूचना मिली कि अशफाक उल्ला खां वार्ड में दी मॉडर्न शिक्षित बेरोजगार सहकारी उपभोक्ता भंडार में कालाबाजारी की जा रही है। वहीं सूचना खाद्य अधिकारी भावना तिवारी व अन्य अधिकारियों ने मौके पर जांच की, जहां इस दौरान विक्रेता मोहम्मद जावेद अख्तर मौके पर उपस्थित रहा। वहीं जांच के दौरान POS मशीन, जिसके द्वारा उपभोक्ता को राशन वितरण किया गया, इसमें राशन वितरण स्टॉक की जानकारी की निकाली गई, जिसमें निकाली गई पर्ची में वितरण किया हुआ, जिसमें स्टॉक गेहूं, चावल, शक्कर, नमक, कैरोसिन कम पाया गया। साथ ही नमक शक्कर का स्टॉक मिलान नहीं हुआ, जिसको देखते हुए खाद्य विभाग की टीम द्वारा विक्रेता उचित मूल्य दुकान के संचालक मोहम्मद जावेद के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हमारे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संजीव अग्रवाल और भावना तिवारी ने, दोनों ने संयुक्त रूप से एक दुकान है 3316-250 मॉडर्न शिक्षित बेरोजगार उपभोक्ता भंडार, उसकी जांच की थी। जांच समय ये पाया गया कि उसकी मशीन में जितना स्टॉक है और दुकान के भौतिक सत्यापन में लगभग 127 क्विंटल गेहूँ और चावल की भी कमी पाई गई है, शक्कर भी और नमक में भी कुछ कमी पाई गई है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उपभोक्ताओं को वितरित ना करके उसकी कालाबाजारी की गई है। तो उसमें उनको SCN जारी हुआ था, SCN के उनको समय दिया गया था कि आप जवाब देंगे, तो उनका उत्तर भी प्राप्त था, उत्तर भी प्राप्त रहा और शिकायत की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर महोदय के संज्ञान में इस प्रकरण को लाया गया और कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार इस पर फिर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई गोहलपुर थाने में। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।